हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री पेपर का आप लोगों का किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 13 फरवरी। इसी के रिगार्डिंग मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे में बात करूँ तो सब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमारे पेपर के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी मैं आज आपके सामने गिना चुना हुआ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये जो क्लासेस होगी एकदम देहाती लैंग्वेज में, क्या मेरे दोस्त, देहाती लैंग्वेज का मतलब एकदम साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप लोग एग्जाम देंगे ना तो कोशिश करें कि आप लोग अपने भाषा में उत्तर देने की, क्योंकि एग्जामिनर पहले ही पेपर में लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे, यस या नो लिखा हुआ रहता है। तो आज मैं आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे हैं। और याद रखिएगा ये जो आप लोगों को क्वेश्चन है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना एक जबरदस्त मैं क्लास दिया हूं जहां पे मैंने आप लोगों का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से, तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का सफलता का क्या कारण था, असफलता का क्या कारण था, क्या परिणाम था, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करें, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, मतलब A to Z 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। कोई ऐसे स्टूडेंट्स आप में से जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हिस्ट्री का फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे इजीली से आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके सामने लेकर आया लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों का अच्छा लगे क्लास तो बताइएगा, आप लोगों के लिए मैं लेक्चर 3 भी लेकर आने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा लेक्चर 3 और लेक्चर 4 भी मैं आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैं बता दूंगा। साथ ही साथ इस बार आप लोगों को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, 30 में से एक भी क्वेश्चन, याद रखिए एग्जामिनर से कह देना कि एक भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां पे हमने स्टडी किया है एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं पूछेंगे। इसको आप लोगों करने के लिए आपको पेंसिल पहना कर रखना होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, क्या मेरे दोस्त, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। ये सारे देखिए कि आप क्वेश्चन इजिली से देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन ना एक बार अच्छी तरह से एक बार नजर दौड़ाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज मिल जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में देखते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो एक ऐसा टॉपिक है जहां पे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज यहां पे पूछे जाएंगे, एकदम पैसेज बनाकर रखिए। पहला क्वेश्चन आता है सर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा कि खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से कोई भी चीज का, मान लेते हैं ये हमारे पृथ्वी, एग्जांपल में मान लेता हूं ये हमारे धरती है, ठीक है, जहां पे हम लोग चलते हैं, यहां पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति चल रहा होगा कि ये हमारे धरती है सर, इस धरती के अंदर में पृथ्वी के गर्भ से, इस गर्भ के अंदर से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। इसमें कोई भी पदार्थ निकले, खनिज पदार्थ वगैरह कुछ भी निकला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है, पुरातत्व जो है ना वह संस्कृत भाषा का शब्द है, किसका मेरे दोस्त, पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना, क्या अर्थ होता है याद रखिएगा खोदना। क्या आप लोग इस तरह से अगर क्वेश्चन आगे तो कर लेंगे, पुरातत्व से रिलेटेड एकदम सिंपल भाषा में लिखना है कि खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ, कोई भी चीज को हम लोग खुदाई कर रहे हैं और कोई भी पदार्थ हमें मिल गया तो उसी पदार्थ को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्या हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ना कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे समझिएगा एकदम सिंपल भाषा में। हड़प्पा सभ्यता ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन का धातु का मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। एकदम सिंपल लिखना है, एकदम सिंपल समझ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 250 वर्ड दिया है 5 मार्क्स वाला लिखने के लिए तो हमको 250 वर्ड लिखना ही होगा नहीं तो 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं मेरे भाई, ये जितना भी 50 अगर ये 500 में लिख देना तो इसमें आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, एकदम सटीक जिसको बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्यों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए कांसा और टीन, सॉरी आपका यहाँ पे लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा का मिश्र धातु क्या है, तांबा और टीन। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का आएगा, इसको पेशेंस बनाकर रखिए और इसको मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक
आर्थिक धार्मिक जीवन, आपका पीछा ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में छप रहा है, ठीक है, समझिएगा। पॉइंट नंबर वन, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं बाबू रे पॉइंट, आपको ब्लैक में लिखना है यहाँ पे या तो ब्लू में, फिर यहाँ पे आपको अलग पेन से लिखना है। पॉइंट नंबर वन लिखना है सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम है। हड़प्पा सभ्यता की मैं अगर बात करूं तो सामाजिक जो जीवन है ना बहुत ही उत्तम है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, यहाँ के जो भी लोग थे ना वो झगड़ा उतना नहीं करते थे, हमेशा आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था, और यहाँ के लोगों के घर, अगर मान लेते कि हमें घर से बाहर कहीं जाना था तो हम घर में ना कभी भी ताला नहीं लगाते थे, इतना विश्वास था हमको इस सभ्यता के बारे में, ठीक है। आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, यहाँ के घर में ताला नहीं लगाया जाता था, यहाँ के कुछ नगर लोथल कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर होता था। घर में हम लोग दरवाजा कहाँ होता है, आगे की तरफ ना, यहाँ पे होता था लोथल जो हम लोगों का कालीबंगा है, इसे घर के पीछे दरवाजा होते थे और खुले हुए रहते थे। यहाँ का समाज नगर जैसा था, यहाँ का समाज जो है बिल्कुल एक तरह का नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। इस तरह से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन किस तरह से। हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। एक बार बता दीजिए कि सर आप लोगों को समझ में आया या नहीं, एक बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर ये पहला पॉइंट सामाजिक स्थिति के बारे में आ जाए, यानी सामाजिक जीवन के बारे में, सबसे पहले लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति बहुत ही उत्तम थी, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, यहाँ पे लोग जो है ना आपस में क्या करते थे, मिलजुल कर रहते थे, यहाँ पे लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, इतना विश्वास रखते थे इस सभ्यता पर। साथ ही साथ यहाँ के कुछ नगर लोथल कालीबंगा के घर के दरवाजे घर के आगे नहीं बल्कि घर के पीछे खुला होता था, यहाँ का समाज नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है, इस प्रकार हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। आते हैं सर पॉइंट नंबर टू में आते हैं सर, धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता को धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम है, जिस तरह से सामाजिक जीवन उत्तम था, ठीक इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन भी क्या था, बिल्कुल उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यहाँ में प्रकृति की पूजा करते थे, कोई पेड़ का करते थे, कोई सूर्य का करते थे, कोई पत्थर का पूजा करते थे। यहाँ से कुछ भी मूर्तियाँ नहीं मिली है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा क्या करते थे, यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। यह लोग स्त्री के बहुत सम्मान करते थे, और जो धार्मिक स्थिति है ना यहाँ पे स्त्रियों के ना बहुत सम्मान होते थे। जो भी स्त्रियाँ थीं वो महिलाएं हो या मेरे भाई जो या बालिकाएं, छोटे छोटे बालिकाएं हो, वो मर्द भी उनका सम्मान करते थे और वो महिलाएँ भी मर्द को सम्मान करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, और इस प्रकार हम इजीली से बोल सकते हैं कि हमें पता चल जाता है इनको स्टडी करने के बाद कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति कैसा था। मैंने सामाजिक स्थिति भी बताया हूँ, धार्मिक स्थिति भी मैं बेहतरीन तरीके से बता दिया हूँ। आगे देखते हैं सर आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे मेरे भाई वो खेती क्या करते थे। यहाँ लोग व्यवसाय भी करते थे, यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से कई प्रकार के जो है ना बंदरगाह मिले हैं, जहाँ से व्यापार होता था और जहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती है, और हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से किए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग का आय का प्रमुख स्रोत एवं व्यवसाय क्या था, व्यापार था। यहाँ का आय का इनकम का जो जनरेट करने का जाना कमाने का जो सोर्स था वो व्यापार और कृषि था, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो इस तरह से आप अपने पेपर में इजिली से लिख लेंगे। क्या आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली से सॉल्व कर लेंगे ना मेरे दोस्त, एक बार कह दीजिए, मेरे सिर सिर नहीं हो, कह दीजिए ना कि हाँ सर हम लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। मैं बेहतरीन तरीके से बताऊँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। अभिलेख साहब क्या समझते हैं, देखिए मेरे भाई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, ये पुरातत्व से क्या समझते हैं, ये तो आपका 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन आपके पेपर में ना आएगा अभिलेख साहब क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। अभिलेख किसी आपसे आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है, अभिलेख उनको कहते हैं, अभिलेख उन्हें कहा जाता है या उन्हें कहते हैं जो पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। मैं बता दूं अभिलेख किसे कहते हैं सिंपल सा भाषा में, कि जिस तरह अभी हम लोग मेला वाला जाते हैं ना कहीं भी देखिएगा पत्थर का बर्तन बनाया हुआ रहता था,
तो इसी तरह से ना पुराने जमाने के लोग पत्थरों को क्या करते, तराश कर उसको बर्तन बनाए थे, उसको मूर्ति बनाया करते थे, उसका कुछ और काम के लिए उपयोग करते थे। तो उसी को ना हम लोग बोल सकते हैं सर अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी धातु, पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदाई खुदे होते थे। अभिलेखों में इनके निर्माण की स्थिति भी खुदी होती थी तथा जिन पर तिथि नहीं होती थी उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता था। और मान लेते हैं कि मुझे एक बर्तन बनाना है, एग्जाम्पल मैं बता दूं, मुझे एक बर्तन बनाना है, मान लेते हैं कि मैं एक पत्थर को खोदकर मैं एक बर्तन बनाया हूं, तो इस बर्तन में ना मुझे लिखना पड़ता था कि ये कौन सा तारीख का है। तो मान के चलिए 13 तारीख का है, 13 फरवरी, ठीक है, तो 13 फरवरी लिखा होना चाहिए था। अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये निर्धारण लेखन शैली के आधार पर इसकी ज्ञात किया जाता है कि ये कितना दिन का पुराना है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक की भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था, जिसे क्या होती है, सम्राट अशोक ने बिल्कुल बनाया था। क्या आप लोग अभिलेख के बारे में अगर आए तो आपको लिख पाएंगे ना, बिल्कुल आप आसान भाषा में लिखना है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर होती है कि सतहों पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदाई की होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती है उनका काल निर्धारण लेखन शैली के माध्यम से किए जाते हैं। आशा करते हैं इसको भी समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, याद रखिएगा, 3 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं अगला। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसा हुआ। मेरे भाई एक बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की, अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किए। कुछ का कहना था कि यहाँ पे बीमारी आ गई जिस कारण से सभी लोग मरे गए, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे बाढ़ आ गए, यहाँ पे भीषण बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ के जितना भी बस्तियाँ थी सब बहकर चले गए, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे भूकंप आए, भूकंप आने के बाद यहाँ पे सभी बस्तियाँ धस कर नीचे चले गए, कुछ लोगों का कुछ मानना था कि मान लेते विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण होने से सभी लोगों को मार दिए गए, समझ में आ रहा ना, कुछ लोगों का कुछ और कहना था। तो देखिए आपको क्या लिखना है एग्जाम में, एक एक पॉइंट को समझिए। पहले बाढ़, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के निम्नलिखित कारण थे। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, क्या आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं या डायरेक्ट पॉइंट दे देना स्टार्ट कर देते? नहीं मेरे दोस्त, याद रखिएगा पहले आपको लिखना होगा, ये लिखना होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण, पहले लिखना होगा उसके बाद आपको मेंशन करना होगा पॉइंट, ठीक है, समझिएगा। पहला पॉइंट, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। कुछ विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का अगर पतन हुआ है तो बाढ़ आने के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए, और सभी लोग क्या करें, डूबकर मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया, तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का प्रमुख कारण एक बाढ़ है, समझ में आ रहा है, समझे, ठीक है। बाढ़ आने का कारण हुआ, अब देखते हैं महामारी, महामारी कुछ भी हो सकता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता अब पतन महामारी के कारण हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या हो जाएगा मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है ना महामारी के कारण हुआ है। बीमारी होने के कारण, याद रखिए बीमारी होने के कारण यहाँ के सभी लोग मर गए। ऐसा कोई बीमारी आया जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के साथ गुजर चुकी है कोरोना वायरस, ठीक उसी समय कोई ऐसा वायरस आया होगा जिस कारण से सभी लोग बीमारी के कारण मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण एक तरह का महामारी भी था। दो पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, भूकंप या भूस्खलन, याद रखिएगा भूकंप या भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूस्खलन के कारण हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अगर पतन हुआ है तो भूस्खलन के कारण हुआ है। किसके कारण? भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जीने नीचे, याद रखिएगा नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे याद रखिएगा जीने के नीचे दबा दबी और सभ्यता का विनाश हो गया, मतलब जमीन के नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा जमीन, क्या लिखिए मेरे भाई, लिखना इस तरह से कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण यहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गए और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन है। क्या लिख लेंगे बाढ़ के बारे में भी,
कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ था, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का मानना था कि यहाँ पे बाढ़ आई, सभी लोग डूबकर मर गए और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। महामारी, कुछ ऐसा बीमारी आई जिसके कारण सभी लोग का बीमारी हो गई, बीमारी होने के कारण सभी लोग महामारी में मर चुके हैं। इसके बाद आते थे हड़प्पा भूकंप या भूस्खलन, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता के नीचे जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन है। क्या आप लोग कर लेंगे इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगी तो? चलिए विदेशी आक्रमण वाला देख लेते हैं। आप विदेशी आक्रमण क्या हुआ था मेरे भाई, एक बार ऊपर कर देते हैं, विदेशी आक्रमण देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण का बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया है। आक्रमण बार बार होने के कारण लोग जो विदेश कोई फॉरेन कंट्री से बार बार आते थे, आने के बाद यहाँ पे टॉर्चर करते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे और इस तरह से हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का लोगों का मार मार के मरा दिए गए और इस तरह से पतन हो गया। इस प्रकार बार बार सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण एक तरह का विदेशी आक्रमण था। क्या मेरे भाई अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या आप इजीली से लिख लेंगे? एक बार बता दीजिए कि सर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली से यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में ये कालिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ मेरे भाई आपको इसी तरह से लिखना है। कालिंग युद्ध का बाद अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ इसको मैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। जब भी ये क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको लिखना है कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया, इसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है। इसके बाद आपको लिखना है पॉइंट नंबर वन में लिखना है मेरे भाई, क्या लिखना है? अच्छा आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास, एक बार बता दीजिए कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे ज़्यादा तो पढ़ाना नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे हो सके कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ नॉलेज हासिल हो जाए, और आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाया लेकिन आपके आने वाला जो अगला सेशन होगा उसको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर सकूँगा, है ना। तो समझ में आ रहा हो तो एक बार डन कर दीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा जरूर। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात। कलिंग युद्ध जब हुई थी ना मेरे भाई तो काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हुआ था, काफ़ी ज़्यादा। मैं एक बात बताना भूल गया यहाँ पे, थोड़ा सा पैसेज बने यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 मतलब 1.5 लाख बंदी बन गए तथा कुछ कई ऐसे व्यक्ति थे जो घायल हो चुके थे, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ जिसके कारण परिणाम निम्नलिखित हुए थे। मतलब ये युद्ध जो होता है ना, आप लोगों का कलिंग युद्ध जो हुआ था बहुत ही टफ युद्ध था। कलिंग युद्ध में आप अगर कलिंग युद्ध को अगर थोड़ा सा मोबाइल पे आप देखेंगे ना तो आप पूरा जिंदगी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था इस युद्ध में। इस युद्ध में ना इतना ज़्यादा लोग मरे गए, इतना ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लोग, अभी 1 लाख एक लोग किसी भी गांव पे एक लोग मरते हैं तो कितना व्यक्ति आ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, या तो रोने लगते हैं, कोई धोने लगते हैं, यस या नो। लेकिन वहाँ पे ना कलिंग युद्ध में 1 लाख से भी अधिक व्यक्ति को वहाँ पे मार दिए गए, 1.5 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को बंदी बना दिए गए, कुछ लोगों का ऐसा मारा था मेरे भाई कि घायल हो गए थे और चारों तरफ खाली खून ही खून, क्या रक्त ही रक्त दिख रहा था। मिट्टी में अगर देख रहे हैं तो वह भी रक्त से पूरे रक्तपात हो चुका था। वो याद रखिएगा लाखों व्यक्ति का खून अगर एक साथ निकले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रक्त हो गया, ठीक है। तो ये देखने के बाद अशोक ने सोचा, अरे भाई युद्ध तो मैं ही करवाया हूँ लेकिन इतना डेंजरस हो जाएगी मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ अपने आप पे वादा करता हूँ कि इस युद्ध के बाद मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करूँगा, साथ ही साथ इस युद्ध के बाद मैं कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी कोई युद्ध नहीं करूँगा, साथ ही साथ याद रखें बलि प्रथा भी नहीं होने दूंगा, मैं तो करूँगा ही नहीं, किसी को भी करने नहीं दूंगा और हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाएंगे। और एकदम जीवन जिस तरह से बोध अपना गौतम बोध जिस तरह से अपना जीवन यापन गुजार रहे थे ठीक इसी तरह से मैं भी गुजारूंगा, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आप लोगों को।
उस युद्ध से घृणा हो गई, उसे युद्ध से, किसको, अशोक को, उसे युद्ध से घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। उसे युद्ध से घृणा हो गई, नफरत हो गया और आज से वह कभी भी युद्ध ना करने की क्या की, प्रतिज्ञा की। भीषण रक्त संसार देखकर बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म उसको स्वीकार कर लिया। और याद रखिएगा, इतना अगर आप नहीं लिख पाएंगे पॉइंट नंबर टू में, तो सीधा लिखना है कि बौद्ध धर्म, सॉरी आपका लिखना है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। पॉइंट नंबर थ्री, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांतिवादी हो गए, अशोक बिल्कुल एकदम शांत हो गए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से ज्यादा जोर से बात भी नहीं करते थे तथा राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। उसे दिग्गज के साथ स्थान पर धर्म विजय का अपना लक्ष्य बनाया, दिग्विजय के स्थान पर अपना किसका, धर्म विजय का अपना लक्ष्य बनाया। इस युद्ध के बाद मंदिरापन, मांस बलिप्रथा, आदि बिल्कुल बंद करा दिया गया। मंदिरापन मतलब मंदिर भी वगैरह नहीं जाएंगे, मांस वगैरह कुछ खाएंगे नहीं, न खाने देंगे। बलिप्रथा को भी समाप्त कर दिया, आदि बिल्कुल बंद करा दिया गया। स्वयं विचारों की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा, श्रद्धा अथवा आदि पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा हेल्प लेना चाहेंगे तो आ सकते हैं, सारा व्यक्ति को मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अशोक देवनाम प्रियदर्शी की है। याद रखिए, अशोक का जो नाम है, एक नाम है अशोक का, क्या नाम है, प्रियदर्शी। याद रखिए क्या जगह, अशोक एक दूसरा नाम है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया तथा राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष प्रारंभ हो गया। तो ये था सर हम लोग का कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन एक दो मार्क्स का नहीं, मामूली सा क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप लोगों को छपेगा। आप ही लोग ने कहा है कि सर हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप बीच में स्किप करेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जाम देकर लौटेंगे, सर नहीं बताया था, सर नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, क्वेश्चन भिड़ा नहीं। अरे मेरे भाई, मैं पहले कह चुका हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ ना, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ, याद रखिएगा कि आप लोगों की हरकत को देखकर मैं खुश हूँ तो यूँ ना समझना, मैं कहता हूँ क्या पता दे, मेरी मुस्कुराहट पर मेरा गुस्सा होता है, मेरे मुस्कुराहट पर ही मेरा गुस्सा होता है। ठीक इसी तरह से मैं हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, तीर की तरह, क्या तीर की तरह आपकी कॉपी में छुपेगी, समझेगा एग्जाम देने के बाद तब याद आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको अशोक के धमाम से आप क्या समझते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे अशोक ने ना, अशोक ने महात्मा गांधी जैसे कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे। ठीक है, अहिंसा अशोक के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। उसे धर्म में ना केवल मनुष्य की बलि बल्कि पशुओं की हत्या करना भी मना कर दिया। अशोक ने मनुष्य को तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि पशु को भी आप कोई हत्या नहीं करेंगे। किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, इसको भी आप लोगों को वहीं पे लिखना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखने का अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उनमें नैतिकता पाया जाने लगा। ठीक है, ये सब कब परिवर्तन हुआ, अशोक याद रखिएगा जब उनका पास हुआ था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बारे में मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी एक बार क्विक रिविजन देना चाहता हूँ। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष का फैसला किया, यानी अब वो हिंसा छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन गया, अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। पॉइंट नंबर टू, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया, युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। कौन, अशोक ने, कौन से युद्ध के बाद, याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार प्रसार में जुट गए। अशोक प्रजा को देखभाल करने वाला बन गया और उन्हें संबंधी अनेक कार्य किए, और उन्होंने ना अशोक ने आपका कलिंग युद्ध के बाद अनेक काम किए, कुएं बनाए, तालाब खुदवाए, नहर बनाए ताकि लोग सिंचाई कर सके, पानी पी सके। तो ये सब भी आपको मेंशन करना है, इस तरह से लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लोगों को काफ़ी सेवाएं की, जैसे तालाब खुदाएं, उसके बाद नदी नहर बनाएं, उसके बाद कुआं खुदवाएं, इस तरह से सभी लोगों को उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया। आते सर अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन सुने होंगे आप लोग कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन एक्चुअली क्यों कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, याद, यूरोप का नेपोलियन बताइए, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं, नेपोलियन को। ठीक है, ठीक इसी तरह से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध राज्य, मगध होगा मेरा भाई, याद रखें, मगध,
ठीक है, मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया। जो मेरे भाई ये जो हम लोग का समुद्रगुप्त है उन्होंने मगध राज्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया था, तथा छोटे छोटे राजाओं को छोटे छोटे राज्यों को छीनकर देश में राजनीतिक एकता, याद रखिएगा, देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलता के कारण डॉक्टर वी एन स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर सॉरी आपका समुद्रगुप्त, भारत का समुद्रगुप्त जो कहते हैं हम लोग किसको, इसको भारत का नेपोलियन जो हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त, तो किसने कहा था, तो बताएंगे सर डॉक्टर एम वी एस स्मिथ ने, ठीक है। और नेपोलियन ही क्योंकि नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था। जो नेपोलियन था उन्होंने सारे यूरोप को जीत लिया था, और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता था। भारत में कोई शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। गोत्र को परिभाषित करते हैं, गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का क्या मेरे भाई, रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है महाभारत के एक महत्वपूर्ण पर प्रकाश डाले, महाभारत जो है इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब ये क्वेश्चन आते हैं सर, स्वतंबर दिगंबर के बीच में हम लोग को आंसर लिखना है। क्या मेरे भाई, स्वतंबर और जो दिगंबर है इसके बीच में हम लोग को आंसर लिखना है। स्वतंबर किसे कहते हैं, दिगंबर किसे कहते हैं, समझेगा, और इसमें क्या अंतर है वो हम लोग को देखना है। महावीर स्वामी की 400 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ गई। कुछ ऐसा समय आया आपका महावीर स्वामी के मरने के बाद कि मगध में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, अकाल पड़ गई। भद्रबाहन के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए, और उस समय भद्रबाहु जो थे उनके नेतृत्व में, उनके कहने से कुछ जैन व्यक्ति जो है थे वह दक्षिण भारत चले गए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने सफेद वस्त्र धारण किया, जो स्थूलभद्र याद रखेगा स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र के अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर, क्या होता है अनुयायी का मतलब, कहता है ना मैं उनका फॉलोवर हूँ, ठीक। इसी तरह से स्थूलभद्र के अनुयायी ने सफेद वस्त्र का धारण करना आरंभ किया कर दिया। ये परसनाथ के अनुयायी थे, यही स्वतंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे, वे नग्न रहते थे, नग्न मतलब नंगा रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, ये लोग दिगंबर कहलाए। स्वतंबर क्या था, दिगंबर क्या है, बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन भाई, गोत्र की परिभाषा है, मैंने अभी जस्ट बताया। सांची कहाँ स्थित है, यह भोपाल से 20 मील पर उत्तर पूर्वी की ओर पहाड़ी तटहटी में स्थित एक गांव है। यह प्राचीन अवशेषों की भरमर है, जिसमें बौद्धकालीन तोरण द्वार और पत्थर की मूर्ति मिलती है। कहाँ पे, तो बताएंगे सर हम लोग का सांची स्थित में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, स्वतंबर दिगंबर मैंने अभी जस्ट बताया इसके बारे में। आते सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। देखिए मेरे भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता आपको बताना एक बार, और एक बार असमानता बताना, एक बार समानता बताना है, एक बार असमानता बताना है। देखिए एक बार सबसे पहले हम लोग समानता देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बातें थी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बिल्कुल समानताएं हैं, समझिएगा। दोनों ही वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे, दोनों ही वैदिक का याद रखिएगा, दोनों ही चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे। दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्रकृति एवं पाली में देते थे। अगला पॉइंट है सर, दोनों धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध थे। दोनों धर्म के प्रवर्तक जो थे, एक था महावीर स्वामी और एक था गौतम बुद्ध, क्षेत्रीय थे। मैंने आपको बताया था ना, 4 धर्म था, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, है ना, तो उसमें से क्या थे, क्षेत्र थे। जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था, जाति प्रथा का जो स्थान था वो दोनों ही धर्म में कहीं भी इनका स्थान नहीं दिए गए थे। दोनों धर्मों के ने संसार को दुखमय कहा, दोनों ही धर्म ने, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही ने अहिंसा का विरोध किया, मतलब हिंसा का विरोध किया। साथ ही साथ दोनों ही धर्मों ने संसार को ये बताया कि संसार बिल्कुल दुखों से भरा हुआ है। ये सर समानताएं थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या अगर समानता आ जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, तो क्या आप लिख लेंगे? अब मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसको समझिएगा, क्या कौन से क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसको समझिएगा सर। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध के बारे में, ये आपको खुद से करना है, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, महात्मा बुद्ध के बारे में
और एक आपको करना है गौतम बुद्ध के, सॉरी आपका गौतम बुद्ध के बारे में और आपका जैन महावीर स्वामी के बारे में। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई समझिए, आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा बौद्ध धर्म के बारे में, जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, या तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, दोनों में से क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। सबसे पहले मैं आपको क्या क्वेश्चन छपेगा समझ लीजिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में जीवन और उपदेशों का वर्णन करें, दोनों में से किसी एक में आपको लेख लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। किसका जन्म हुआ था बताइए, किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का, क्या महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शूद्रधन शाक्य कुल के क्षेत्रीय वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, बुद्ध का जैसे जन्म हुआ उसका 7वें दिन में उसके माता की मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध का लालन पालन उसके मौसी ने किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी मौसी। समझिएगा, जैसे उसके 7वां दिन उसका जन्म हुआ, उसके माता की महामाया का, उसका माता का नाम महामाया का देहांत हो गया, तथा इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे, गौतम बुद्ध जो है ना बचपन से ही वो एक तरह का चिंतनशील व्यक्ति थे। उनके इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। वो देखते थे, उसके पापा देखते थे कि ये जब से वो छोटे से बड़े हुए हमेशा वो चिंतापूर्वक रहता था, कहीं किसी के याद में तो खोया हुआ तो नहीं है, आप लोग रहते हैं क्या? नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो कहीं या किसी के याद में तो कहीं खोया हुआ नहीं है, ये सोचते उसके पापा ने सोचा कि नहीं इसको शादी करा देते हैं। फाइनली उसका शादी जो है, याद रखिए, 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी यशोधरा से हो गई। उनसे एक पुत्र राहुल हुआ और उसका एक बेटा हुआ राहुल। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी बदलना सका। गौतम बुद्ध के जीवन में कोई 4 अदृश्य का गहरा प्रभाव पड़ा। गौतम बुद्ध कहीं से जा रहे थे, उन्होंने 4 दृश्य देखा था। क्या मेरे भाई? 4 दृश्य को अपने आंखों से देखा था। पहला, एक वृद्धा व्यक्ति जो पूरा रोग से ना बीमारी से ग्रसित थे, एक मृत्यु व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा, और उसके जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहां प्रथम 3 दृश्य को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में गहरा आघात पहुंचा, वही 4थे दृश्य मतलब एक सन्यासी उसे दुख निरोध का मार्ग दिखाया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, घर द्वार छोड़ दिया, अब हम घर में नहीं रहेंगे। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा नदी था? निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या बोलता है याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कौन सा नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिल्कुल निरंजना नदी, ठीक है। इस सबको एकदम याद कर लेना है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गई। बाबू रे, समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए गौतम बुद्ध से रिलेटेड, तो कर लेंगे ना मेरे भाई, बताइए, कर लेंगे ना। इस तरह से अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना गौतम बुद्ध के बारे में। कितना बेहतरीन तरीके से मैं एकदम सिंपल भाषा में मैं लेकर आया हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शूद्रधन शाक्य कुल के क्षेत्रीय वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उसके माता का देहांत हो गया था। माता का नाम क्या था? महामाया का देहांत हो गया था, जिसके कारण गौतम बुद्ध का लालन पालन उनके प्रजापति गौतमी मौसी ने किया था। और गौतम बुद्ध बचपन से ही बिल्कुल शांत थे। शांत देखकर उसके पिताजी ने सोचा कि नहीं, ये किसी के याद में खोया हुआ है, इसको शादी कर देते हैं। 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई। शादी यशोधरा से हुआ था। किसका? यशोधरा से उसका शादी हुआ। कुछ साल गुजर जाने के बाद उसका एक बेटा हुआ राहुल। क्या हुआ? राहुल बेटा हुआ।
याद रखिएगा। और इस प्रकार गौतम बुद्ध के जीवन में चार दृश्य उनके प्रभाव पड़ा, जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन को बदलने के लिए चार दृश्य था। एक वृद्धा व्यक्ति, याद रखिएगा, बूढ़ा को देखकर, एक रोगग्रस्त, एक पूरे बीमारी से को देखकर, एक मृत व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बिल्कुल मर चुका है वो व्यक्ति को देखकर, और एक सन्यासी व्यक्ति को देखकर उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए। और बाकी इस तरह से आप इजिली से कर लेंगे। अगर आप लोगों को क्लास कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं नहीं सर क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव बाबू रे 50 मार्क्स का है, यूँ ही हाथे से 50 मार्क्स ना जाने दे। अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आप लोगों के #3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। खैर हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मैं वेट करूँगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, कितना ऐसा स्टूडेंट्स है जो सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।